आपने अपने चैनल सब्सक्राइब किया तो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए आपके अपने चैनल को। तो आज जो हुआ, आज क्या सीन हुआ, क्या था आज का? अभी आपके सामने हमने सीन किए जी, अच्छे का मूड शॉट हुआ और एंड में हम फिर माइक को देखिए, अलग सी कहानी भी है लेकिन आप लोगों को जब देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं आप सबकी लाइफ से जुड़ती हुई कनेक्टेड स्टोरी भी है। बाकी तो आप देखेंगे तो एक्चुअली। तो बात कर रोल की, क्या किरदार आपका, क्या किरदार आपका है? वेल मेरा किरदार जो है इसमें एक बहुत बड़ी मिनिस्टर है, उनकी लड़की है और इनको उनसे प्यार हो जाता है और इन्हें इनका बैकग्राउंड ज़्यादा पता नहीं होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, शादी वादी होती है और फिर ज़्यादा कुछ बताने वाली मूवी। स्टोरी अबाउट टू कपल्स, वो एक मियां बीबी है, दोनों की जिंदगी में प्रॉब्लम है और एक देव करी कैरेक्टर है, बहुत अच्छा लड़का है, अपनी बीवी को बहुत प्यार करता है, हम उसकी प्रॉब्लम में उसका साथ देता है और हमेशा वो चाहता है जिंदगी भर तक रहने उसके साथ। तो दैट वाज दैट्स अ स्टोरी, ये स्टोरी ये दोनों के। माइसेल्फ डॉली आर्या फ्रॉम नैनीताल। यस सर। मेरा नाम अश्विन धर। थैंक यू सर। फिल्म तो मेरे हिसाब से ये मिश्रा जी का एक पैशन और फिल्म बनाना चाहते हैं और इतनी कन्विक्शन है उनको इस सब्जेक्ट में, तो वहाँ पे इंसान फिर सोचने की ज़रूरत नहीं होती एक्टर के लिए, डायरेक्टर का कन्विक्शन। तो ये फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, एक मैसेज है इस फिल्म, इट्स हैविंग अ वेरी गुड मैसेज। दिखाएंगे लोगों की किस हद तक जा सकता है, कहाँ तक हम इसे बर्दाश्त कर सकते हैं, कहाँ तक हम इसे निभा
उठा सकते हैं और कहाँ तक हम अपनी मोहब्बत को लेके जा सकते हैं। जी मिश्रा जी, क्या कहेंगे फिल्म के बारे में, क्या कहानी है फिल्म की, क्या बताएंगे? होगा जुनू के बच्चे इश्यूज नहीं होते हैं ना शादी के 10 साल बाद तक, उसको बेस करके ये थोड़ा अनयूजुअल कंसेप्ट के ऊपर कहानी है। बिकॉज जो सोसाइटी जिस तरीके से उन लोगों को देखती है प्रेजेंट परिप्रेक्ष्य में, आजकल बहुत से लोग नई तरीके अडॉप्शन शुरू हुए हैं, IVF में जाते हैं, तो कुछ लोगों की धारणाएँ बिल्कुल उसको बनी होती है कि पुराने कॉन्सेप्ट पर चलती हैं कि वी डोंट वॉन्ट, तो उसमें ये पता नहीं है कि DNA क्या होगा जिस बच्चे का। इसको लेके एक ट्रेंड की तरफ से एक अलग टाइप का एक्सपेरिमेंट किया गया, उसको लेके कंट्रोवर्शियल कहानी है।